हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। टुडेज टॉपिक इज टीसीएस ऑन फॉरेन स्पेंडिंग्स, लेट अस डिस्कस। आप आसानी से समझ में आ सके इसके लिए हमने प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करता है, सेकंड पार्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता है, थर्ड पार्ट फॉरेन ट्रेवल के बारे में बात करता है एंड फोर्थ पार्ट फॉरेन रेमिटेंस के बारे में बात करता है। टीसीएस के न्यू प्रोविजन 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल होते हैं। 1 जुलाई 2023 से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर टीसीएस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप किसी फॉरेन साइट पे या फॉरेन कंट्री पे कुछ भी फॉरेन स्पेंडिंग्स करते हो या फॉरेन एक्सपेंस का पेमेंट करते हो, उस केस में आपको 20% ऑफ टीसीएस देना पड़ेगा। टीसीएस किस अमाउंट पे दोगे? जो अमाउंट आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है, ठीक है। पहले 1 जुलाई 2023 से कोई भी टीसीएस का अमाउंट नहीं पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब से जो भी आप अमाउंट इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू फॉरेन एक्सपेंस का करोगे, उस केस में आपको 20% ऑफ एक्सपेंस आपको टीसीएस के रूप में डिपॉजिट करवाना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। 1 जुलाई 2023 से आप कोई भी फॉरेन शेयर, फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन स्टॉक खरीदने के लिए रुपी को कन्वर्ट करवाते हो, तो उस केस में आपको 20% ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का टीसीएस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे कोई भी टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था, इसका मतलब आपको टीसीएस का अमाउंट नहीं जमा करवाना पड़ रहा था, लेकिन अब 1 जुलाई 2023 से आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में आपको 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको टीसीएस का अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीसीएस ऑन फॉरेन ट्रैवल। 1 जुलाई 2023 से पहले फॉरेन ट्रैवल पैकेज पर 5% का टीसीएस पे करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप कोई भी फॉरेन ट्रैवल के लिए पैकेज लेते हो या फॉरेन ट्रैवल के लिए कुछ स्पेंडिंग करते हो, तो उस केस में आपको फॉरेन ट्रैवल का 20% टीसीएस देना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने इस प्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल दिया है जो क्लियरली समझाता है कि यदि कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रैवल पैकेज खरीदता है 10 लाख रुपए का इंडिया से यूके जाने के लिए, देन उस केस में उसे 12 लाख रुपए का इंडिया से यूके गया है वो फॉरेन टूर के लिए, तो उस केस में उसको 12 लाख रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसमें जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है वो है टीसीएस का अमाउंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबिलिटी आई है। फॉरेन रेमिटेंस को हमने टेबलर फॉर्मेट में बताया गया है। फॉरेन रेमिटेंस का मतलब होता है आप किसी रिलेटिव को या किसी दूसरे पर्सन को आप कुछ अमाउंट फॉरेन कंट्रीज में रेमिट करते हो, यानी ट्रांसफर करते हो। इसलिए मैंने 3 पार्ट बताया गया है। यदि आप फॉरेन रेमिटेंस एजुकेशन पर्पज़ के लिए करते हो तो उस केस में आपको प्रेजेंट रेट थी वो 0.5% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज़ था। गवर्नमेंट ने इस केस में कोई चेंज नहीं किया है। ऐसे यदि कोई आप एजुकेशन अमाउंट का रेमिटेंस करते हो और उस केस में वो अमाउंट आप ओन फंड होता है, उस केस में आपको इन एक्सेस ऑफ 7 लाख रुपीज़ 5% का टीसीएस देना पड़ रहा था। प्रेजेंट कंडीशन और प्रपोज कंडीशन सेम रहेगी। मेडिकल केस में 5% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख इन फाइनेंशियल ईयर देना पड़ रहा था। टीसीएस का रेट प्रपोज यानी 1 जुलाई 2023 से मेडिकल के केस में भी सेम रहेगी, लेकिन यदि आप एनी अदर केस में करते हो एक्सेप्ट बिजनेस, उस केस में 5% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7 लाख था, लेकिन अब से फॉरेन रेमिटेंस में आपको 20% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड आपको अमाउंट टीसीएस देना पड़ेगा। इसका मतलब यदि आप इन तीनों इसका मतलब एजुकेशन, मेडिकल और बिजनेस के अलावा कोई भी स्पेंडिंग करते हो, कोई भी अमाउंट रेमिट करते हो, कोई भी पैसा आप फॉरेन कंट्री में भेजते हो, तो उस केस में आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ भेजा तो आपको 20,000 रुपीज़ का टीसीएस का अमाउंट देना पड़ेगा।